लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। ये गाना तो आप सभी ने सुना ही होगा। ये गाना सुनते ही आपके मन में अपने प्रेमी या प्रेमिका का ख्याल तो आया ही। वैसे तो लोग अपने प्यार को जताने के लिए काफी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लावर, टैडी और कुछ समय पहले तो खून से लव लेटर लिखने का चलन चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदलता गया, वैसे वैसे प्यार करने का तरीका भी बदलता गया और अब लोग अपने प्यार को जाहिर करने के लिए खून से अपने प्रेमिका की पेंटिंग बनाकर अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। जी हाँ, खून से पेंटिंग बनाकर। पूरा मामला क्या है ये तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ माही और आप देख रहे हैं स्पाइस न्यूज भारत। ये कहानी है चेन्नई के एक लड़के की जिसका नाम गणेशन है। 20 साल के गणेशन की गर्लफ्रेंड का पिछले साल 10 दिसंबर को बर्थडे था। गणेशन अपनी गर्लफ्रेंड को कोई यूनिक गिफ्ट देना चाहता था जिससे उसका प्यार सबसे अलग दिखाई दे। इस दौरान उसके एक दोस्त ने उसे ब्लड आर्ट के बारे में बताया, एक ऐसी पेंटिंग जिसमें आप अपने खून से अपने किसी की भी तस्वीर बनवा सकते हैं। गणेशन को यह आइडिया काफी यूनिक लगा। वह चेन्नई के एक ऐसे ही स्टूडियो में गया जहां पर गणेशन ने A4 साइज की पेंटिंग बनवाने के लिए 5 मिलीलीटर खून दिया। आपको बता दें कि तमिलनाडु में गणेशन की तरह ही ऐसे सैकड़ों मामले सामने आए जिसमें लोग अपने प्यार के लिए खूनी पेंटिंग बनवाते नजर आए। आपको बताते चले कि 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर M.S. Subramanian अचानक खून से पेंटिंग बनाने वाले एक स्टूडियो में पहुंचे। यहां पर पेंटिंग के लिए रखे गए कई ब्लड की शीशियों और नीडल्स को देखकर वह हैरान रह जाते हैं। वहीं उन्होंने बिना सोच विचार किए ही उसी वक्त खून से पेंटिंग बनाने वाले स्टूडियो पर बैन कराने का ऐलान कर दिया। मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा कि कोई व्यक्ति या संस्थान खून से पेंटिंग बनाते पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। सुब्रमण्यम ने कहा कि ब्लड आर्ट दंडनीय है, ब्लड डोनेशन एक पवित्र कार्य है, ऐसे उद्देश्यों के लिए खून निकालना मंजूर नहीं। प्यार और स्नेह दिखाने के कई और तरीके भी हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला कि स्टूडियो में ब्लड लेने की प्रक्रिया तय प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं होती। यहां एक ही नीडल से कई लोग का ब्लड निकालने के लिए यूज होती है, इससे आम लोगों में इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा होता है। वैसे तो दिल्ली की एक संस्थान शहीद स्मृति चेतना समिति अपने सदस्यों द्वारा दान किए गए खून का प्रयोग देशभक्तों की पेंटिंग बनाने के लिए कर रही है। रविचंद्र गुप्ता नाम के रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल ने इस संस्था की शुरुआत की थी। ये संस्था अब तक 250 से ज्यादा ब्लड पेंटिंग बना चुकी है। यहाँ बने ब्लड पेंटिंग देश भर के संग्रहालयों में लाए जाते हैं। इस संगठन के प्रमुख प्रेम शुक्ला का कहना है कि संगठन के सदस्यों से ब्लड लेने के लिए वह सभी नियमों और मापदंडों का पालन करते हैं। उनका कहना है कि लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए ऐसा किया जाता है। अभी के लिए इतना ही। तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल स्पाइस न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।